Dear students, assalamu alaikum. I hope that you and your loved one will be safe and sound and greatly blessed with health and having the good time. Okay, today's our topic is the summer vacation homework and it's on page 11 and 12. And the activity number one on page 11, complete the following table. What does it? It is a forms of verb. We have to write these forms of verbs properly. And what is verb? Verb is basically an action or activity or state. Verb kya hai? Koi halat hai, koi kaam hai, aur koi sargarmi hai. We have the three part of the time: present, past, and future. Okay, present mean abhi, past and guzar gaya. And past participle is basically a word that is used in the tenses. Okay, point number one, drink, peena, forget, bhul jana, give, dena, know, janna, see, dekhna, show, dikhana, go, jana, speak, bolna, fall, girna, fly, उड़ना, कीप रखना, विन जीतना, गेट हासिल करना. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दीज फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. ओके, हियर आर सम दीज पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दीज वर्ब. Point number one, drink, drank, drunk. Forget, forgot, forgotten. Give, gave, given. Know, janna, knew, known. See, saw, seen. Show, showed, shown. Go, went, gone. Speak, spoke, spoken. Fall, fell, fallen. Fly, flew, flown. Keep, kept, kept. Win, win, one, one. Get, got, gotten. Basically, the third form sometimes use got and gotten. Both are correct. But to some extent, second gotten has been changed with the got. Okay, next move. A question number, activity number two, question answer, what are the good rules which should follow to become a good friends? It means ki golden rules kaun se hain jinko hum follow karke ek acche friend ban sakte hain, jo hame follow karne padenge acha friend banne ke liye. Point number one, friends should be loyal both in good times and in bad. यानी कि फ्रेंड्स को क्या है, एक दूसरे से लायल होना पड़ेगा. यानी कि किस आपस की जो पर्सनल बातें हैं वो किसी से शेयर नहीं करनी पड़ेगी. और अच्छा टाइम आएगा तो या बुरा टाइम आएगा, दोनों से सिंसियर रहेंगे, यानी कि दोनों से वफादार रहेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे. फ्रेंड्स रिस्पेक्ट द पर्सन एंड नॉट द पोजिशन और द टाइटल. फ्रेंड्स क्या हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो उसकी पोजिशन क्या है या उसका टाइटल क्या है. इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अच्छा है और एक नलायक स्टूडेंट है, नलायक तो कोई भी नहीं होता है, जो लोग मेहनत नहीं करते, यानी कि कमज़ोर स्टूडेंट हम कह सकते हैं उसको, कि दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं. लेकिन ये नहीं देखना पड़ेगा हमें कि कोई अमीर है कोई गरीब है, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं.
Point number three, friends keep their words, do what you said you will do. फ्रेंड्स अपनी बात पर कायम रहते हैं, जो वो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं. फ्रेंड्स डोंट टॉक बैड अबाउट फ्रेंड्स. फ्रेंड्स कहें दूसरे फ्रेंड्स के बारे में बुरी बात नहीं करते, यानी कि उनकी गीबत नहीं करते, उनकी चुगलियां नहीं करते. अगर कोई उनके बारे में बुरी बात कहता है तो उसके बारे में उसका साथ देने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसकी फेवर नहीं करते. यानी कि कोई एक शख्स, एक फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के बारे में बुरी बात कहे तो हम तो अपने फ्रेंड्स के बारे में बुरी बात पसंद नहीं करते. पॉइंट नंबर फाइव, फ्रेंड्स शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट. फ्रेंड्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा ईमानदारी शो करनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. पॉइंट नंबर सिक्स, फ्रेंड्स शुड प्रैक्टिस काइंडनेस एंड कंपैशन. फ्रेंडशिप में क्या होता है, हमने एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से और अच्छे अंदाज से रहते हैं. पॉइंट नंबर सेवन, फ्रेंड्स शुड मेक पीस विद फियर एंड एंगर, यानी कि वो गुस्से में या किसी परेशानी में हो, यानी कि खौफ में हो, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, यानी कि उनको पुरसकून रखने में मदद करते हैं. डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ पैराग्राफ दैट व्हाट यू हैव टू डू, इट्स ऑन द पेज नंबर 8. यू हैव टू रीराइट दिस एंड रिमूव द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. ओके, लेट्स ट्राई टू डू दिस. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड रीराइट इट एडिंग स्पेस. हमने क्या करना है, वर्ड्स के दरमियान स्पेस ऐड करनी है, मार्जिन्स बिटवीन वर्ड्स वेर रिक्वायर्ड. इफ वी सी दिस वन, वंस देयर वाज. सेकेंड सेंटेंस, वेरी काइंड ऑलवेज टॉक. दीज वर्ड्स हैव द स्पेस एक्चुअली, बट हेयर इज वी हैव टू डू दिस वर्क. गुड केयर, हिज वाइफ डाइड, वाज ऑफ 17 years, was just years old, children a lot, made of. Okay, dear friends, here are some solution. Once there was a rich person, he was very kind and always took good care of his people. His wife died when her daughter Aisha was of 17 years old. Yes, and her son Ali was just 3. Years and Ali was just 3 years old. He loved their children a lot. He made a beautiful house for them and where his wife and children lived. Dear students, हमने क्या किया है, कुछ words में space नहीं है, वो हमने add की है. इसको और add करने के बाद हमने sentences को again लिखने. It's on the page number 12. Okay, next. Fill in the blanks with the given word bank. First we should, enjoyment mean entertainment, yani ke lutfandoz hona, sair o tafri hum aisa kar sakte hain. Government, hukumat, comfortable, aramdeh, harmful, nuksandeh, helpful, madadgar, silently, hamoshi se, rudely, rudely mean gusse se, washable, धोने के काबिल, रिस्पेक्टफुल, इज्जत के काबिल, इज्जत से भरा हुआ. दिस शर्ट इज नॉट, विच वन विल बी, इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट वॉशेबल. इज द चेयर कंफर्टेबल. डू यू वर्क साइलेंटली. ओवर ईटिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. वी वेंट टू द पार्क जस्ट फॉर एंजॉयमेंट. We went to the park just for enjoyment. What is the education policy of the government? Point number 7. Who is the most respectful in the matter? Never behave rudely. Here we have the 9 words. Which one we can't use? Okay, let's move ahead.
This shirt is not washable. Is the chair comfortable? Do you work silently? Overeating is harmful for health. We went to the park just for enjoyment. What is the education policy of the government? Who is the most respectful person in the matter? Never behave rudely. Okay, next part is about, okay, dear students, you have to just do these activities carefully. If you have the problem, then you can ask me by commenting. Take care of yourself and your loved one. Thank you. Allah Hafiz.